नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आखिरकार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। बीते दिन नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है, जिसके तहत राज्यपाल फागू चौहान ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलवाई, जिसके तहत शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग, श्रवण कुमार को विकास विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग एवं विधि, संजय कुमार झा को जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री, सम्राट चौधरी को पंचायती राज, नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, सुभाष सिंह सहकारिता, नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग दिया गया है, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुनील कुमार को मध्य निषेध, नारायण प्रसाद को पर्यटन, जयंत राज को ग्रामीण कार्य, आलोक रंजन झा को कला संस्कृति एवं युवा विभाग, मोहम्मद जमान खान को अल्पसंख्यक कल्याण और जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग का मंत्री बनाया गया है। रेलवे भर्ती सेल मध्य रेलवे मुंबई ने निकाली रिक्तियां। रेलवे भर्ती सेल मध्य रेलवे मुंबई ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 2532 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं और संबंधित ट्रेड में ITI का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.rrccr.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार के जमुई जिले के सिमुलतल्ला हिल स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिनी शिमला के नाम से विख्यात सिमुलतल्ला अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। भारतीय पौराणिकता के अनुसार महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस का साधना स्थल यह तपोभूमि के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ ठंड के दिनों में पर्यटक सिमुलतल्ला के हरे भरे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर झरनों और पहाड़ों का दीदार करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ 2 बार भ्रमण के लिए आए एवं अपने किताब में यहाँ की जलवायु की प्रशंसा की है। यहाँ के महान परिदृश्य और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी। जब कभी भी आपको समय मिले, खासकर ठंड के मौसम में, तो यहाँ अवश्य आए। डीएलएड ट्रेनिंग पाए शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को मॉडल एम्प्लॉयर रहने की सलाह दी है। इस बाबत कोर्ट ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोर्ट के आदेशों का पालन सही तरीके से हो। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस निर्णय को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़ा हुआ पे स्केल, उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से सांकेतिक तौर पर और उनके ट्रेनिंग रिजल्ट की तारीख से उन्हें वास्तविक लाभ देने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट को यह बताया गया है कि हाईकोर्ट पूर्व ही यह तय कर चुकी है। 86,000 करोड़ खर्च को लेकर हलफनामा दायर कर बताने की कही गई बात। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से लंबे समय से व्यय किए गए धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया है कि अकाउंटेंट जनरल की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने अब तक 17,000 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। बिहार के जंगलों में होगा पर्यटकों का आगमन। बिहार में जंगलों को भी पर्यटकों के लिए खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसके तहत प्राकृतिक रूप से संपन्न गया जल्द ही बिहार में इको टूरिज्म का एक शानदार स्पॉट के रूप में नजर आने वाला है। जिले के जंगलों और पहाड़ों को संरक्षित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कई प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, गया जिले के रहने वाले लोगों के लिए इको टूरिज्म मनोरंजन का एक बेहतर माध्यम बनने जा रहा है। इको टूरिज्म के 2 प्रमुख केंद्र होंगे, जिसमें ब्रह्मयोनी पहाड़ और बाराचट्टी स्थित गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है, जिसके माध्यम से एक जगह पार्क और माउंटेन ट्रेकिंग का आनंद लिया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल सफारी का। अब बिजली बिल का होगा ऑनलाइन भुगतान। आने वाले दिनों में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल ही जमा करना होगा, जिसको लेकर बिजली विभाग ने भी साफ आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत विभाग ने यह साफ कहा है कि 1,000 या विनियामक आयोग की तरफ से तय की गई जो भी राशि होगी, उससे अधिक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं से नकदी नहीं लिया जाएगा। कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही जाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1,000 से अधिक की राशि का मासिक बिल आने वाले उपभोक्ताओं से अनिवार्य रूप से ऑनलाइन बिजली बिल की लिया जाएगा।
बिहार में आखिरकार लोगों को मिली ठंड से राहत। बिहार में ठंड से लोगों को अब राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी ठंड की स्थिति भले ही देखने को मिल रही है, मगर प्रदेश में अब कोल्ड वेव या कोल्ड डे की वापसी नहीं होने वाली है, जिसके बाद अब पूरे बिहार को ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद अब मौसम वसंती या फिर खुशनुमा ही बने रहने के आसार है। बिहार में उद्योग विभाग में 200 से अधिक पदों को भरने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में उद्योग विभाग को अब भरने की तैयारी शुरू हो गई है। खासतौर पर उसके फील्ड अफसरों की भारी कमी को देखते हुए अब उद्योग विभाग को भरने की तैयारी की गई है। इसको लेकर विभाग भी जल्द ही औपचारिक रूप से अपने पहल की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके बाद अब तक 200 से अधिक पदों को नियुक्ति के लिए चिन्हित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, विभाग के सभी निदेशालयों को खाली पदों को चिन्हित करके रिपोर्ट करने के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये वो पद है जो काफी समय से खाली पड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार उद्योग विभाग के तहत हथकरघा और रेशम निदेशालय के तहत सबसे ज्यादा 200 से अधिक पद खाली है, जिन्हें भरने की तैयारी अब शुरू हो गई है। अब राजधानी पटना से रांची जाना होगा और भी ज्यादा आसान। अब बिहार वासियों का रांची जाना और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही पटना से रांची की दूरी कम होने वाली है, जिसके तहत अब पटना से रांची आने जाने वालों को कम समय में ही पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल की तरफ से इस्लामपुर नटेसर लाइन का काम पूरा होने के और रांची से कोडरमा के बीच टनल का काम पूरा होने से दूरी कम होगी। CPRO ने बताया है कि पटना से तीसरी लाइन बनने पर पटना से फतुहा, इस्लामपुर और नटेसर, तिलैया, कोडरमा और हजारीबाग होकर जाने से करीब 40 किलोमीटर दूरी कम होगी। वहीं इस रूट पर ट्रेनों के इंजन बदलने में भी समय नहीं लगेगा। इस तरह लोगों को पहले की तुलना में 3 घंटे तक का समय बचने की संभावना है। कैबिनेट मीटिंग में 7 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की बैठक आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 7 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके बाद नीतीश कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही नई नियमावली लागू होने के बाद नगर निकाय कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव होगा। बिहार प्रोबेशन सेवा के कर्मियों को वेतन का लाभ देने का भी फैसला किया गया है। 2014 की नियमावली में बदलाव किया गया है। बोधगया, डोभीगया पर 3-स्टार होटल बनाने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए 3.5 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है। गया जिले का अनोखा पुस्तकालय करता है दुर्लभ किताबों का संग्रह। मोक्षधाम गया में एक चिकित्सक ने अपने निजी कोष से शहर के विष्णुपद मंदिर परिसर में धर्म ग्रंथालय की स्थापना की है। करीब 200 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बने धर्म ग्रंथालय में 900 से अधिक धार्मिक और अन्य पुस्तकों का संग्रह किया गया है। इस पुस्तकालय में चारों वेद, विभिन्न लेखकों द्वारा रचित रामायण, महाकाव्य, पुराण, उपनिषद, संतों के विचार से जुड़ी पुस्तकें, गया और मगध की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक क्षेत्रों से जुड़ी पुस्तकों के अलावा कई दुर्लभ किताबें मौजूद है। जानकारी के अनुसार देश सहित दुनिया के कई देशों में अब तक 7,000 से अधिक विजिटर यहां आ चुके हैं। यह पुस्तकालय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और शाम 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। राज्य को अब पहले से 45 टन खाद्यान्न कम मिलेंगे। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न बांटने के लिए आवंटन में आंशिक कटौती की गई है। इसके तहत खाद्यान्न के कुल आवंटन में आंशिक कटौती की गई है। हालांकि इससे राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले अनाजों में कोई कमी नहीं आएगी। जानकारों के मुताबिक दरअसल यह वह खाद्यान्न होगा जो बिहार के बाहर वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत अनाज उठा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक पत्र के मुताबिक फरवरी महीने से बिहार को कुल 4,60,546 टन खाद्यान्न मिलेगा, जबकि इससे पहले के महीने में 4,60,591 टन अनाज ही मिलता था। राज्य में कचरा प्रबंधन के लिए लैंडफिल साइट का होगा विकास। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य की 29 नगर पंचायतों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त और बेहतर किया जाएगा। इसके लिए करीब 4,66,64,000 रुपए को स्वीकृति दे दी गई है। जारी निर्देश के अनुसार कचरा के प्रबंधन के लिए लैंडफिल साइट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कचरा संग्रह के लिए उपकरणों की खरीद की जाएगी, साथ ही डोर टू डोर कचरा उठाव, कचरे से कंपोस्ट और बिजली बनाने, नालों की उड़ाही, सार्वजनिक स्थलों की सफाई इत्यादि मद पर राशि खर्च किए जाएंगे। सरकार कर सकती है जमीन बंदोबस्त नीति में बदलाव। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 20 जिलों में चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण के दौरान जनवरी के चौथे सप्ताह में हुए काम के नतीजे सामने आए हैं। इसके अनुसार जहानाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, नालंदा और कटिहार जिला टॉप 5 पर है, जहां भूमि विवाद को खत्म करने और जमीन का बंदोबस्त को व्यवस्थित करने का काम संतोषजनक रूप से किया गया है। दूसरी तरफ सहरसा, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी और शिवहर जिला सबसे नीचे के पायदान पर है। इसके साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारियों के काम के मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इससे पहले यह व्यवस्था राजस्व कर्मी, CO और DCLR स्तर तक थी। कृषि विभाग के खाली पदों पर जल्द होगी बहाली। कृषि विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। इसके तहत
अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जा चुका है। इसको लेकर कृषि विभाग और उससे जुड़े निदेशालयों में खाली पड़े रिक्तियों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद मंजूरी के लिए उसे वित्त विभाग भेजा जाएगा। इसके अलावा विभाग ने यह भी फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है उन्हें अब कार्यालयों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चंदन तिवारी की। चंदन तिवारी भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका हैं, जिन्होंने लोक गीतों के दम पर लोगों के दिल में अपनी एक अलग और खास जगह बना ली है। आपको बता दें, अपने गाने से लोगों का मन मोहने वाली चंदन तिवारी का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। चंदन की पहली गुरु उनकी माता रेखा तिवारी थी, जो उन्हें स्कूल के दिनों में राष्ट्रीय गीतों का अभ्यास करवाती थी। चंदन तिवारी अपनी माँ के साथ मंदिरों में गाना भी गाया करती थी। उन्हें लोक गायिका के नाम से भी जाना जाता है और वो भोजपुरी, मगही, मैथिली, नागपुर भाषी, नागपुरी, अवधी और हिंदी में गाने गाती हैं। उन्हें बिस्मिल्लाह खान सम्मान से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें हाल ही में विंध्यवासिनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में पटना के IGIMS में 100 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, लगभग 8 महीने पहले उन्होंने 10 करोड़ की लागत से बनने वाले हॉस्टल की आधारशिला रखी थी। इतना ही नहीं, इस हॉस्टल को एक साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 8 महीने के अंदर ही यह बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें, 4 फ्लोर के हॉस्टल की बिल्डिंग में सभी फ्लोर पर 25 बेड है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और इसके बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ताकि आम लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके। राजधानी में 500 जगहों पर कैमरा लगाने की शुरू हुई तैयारी। राजधानी में आपराधिक मामलों पर रोक लगाने के लिए CCTV कैमरों का जाल बिछाने के लिए तैयारी की जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से पहले ही लगभग 3,500 कैमरे लगाने की योजना तैयार की गई है। वहीं अब राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की तरफ से PPP मोड पर नगर निगम को 500 स्थानों पर CCTV कैमरा लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर निगम की स्थायी समिति की 10 फरवरी को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। इस बैठक में प्रस्ताव के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही इसे बोर्ड में ले जाया जाएगा। पानी बर्बाद किया तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल का काम लगभग पूरा हो गया है। अब इसके अगले चरण में पंचायती राज विभाग और PHED ने पानी की बर्बादी करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है। इसके तहत दोनों ही विभागों ने अपना प्रस्ताव CM नीतीश कुमार के सामने रखा है, जिस पर सहमति भी मिल गई है। योजना के पार्ट दो में लोगों को नियमित रूप से साफ पानी मिले, इसको लेकर माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई है। आपको बता दें कि अगर 3 बार से ज्यादा पानी बर्बाद करते हुए पकड़े गए तो 5,000 के जुर्माने के साथ उस घर से पानी का सप्लाई कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है, जिसके तहत सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1846 में सोबराव में लड़ाई आज ही के दिन से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 1921 में काशी विद्यापीठ का आज ही के दिन उद्घाटन किया था। नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी आज ही के दिन बनी थी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से आज ही के दिन सम्मानित किया गया था। 1847 में बंगला कवि लेखक नवीन चंद्र सेन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गुलेश्वर खां शानी का 1995 में उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। मंत्री पद पर शपथ लेते ही शाहनवाज हुसैन ने औद्योगिक क्रांति लाने की कही बात। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा कोटे से शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान जारी करते हुए बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की बात कही है। इतना ही नहीं, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद ही उन्होंने बिहार में विकास और परिवर्तन के लिए काम करने की बात कही है। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें जहां जाकर सेवा करने का मौका मिलता है वो सेवा करते हैं। इससे पहले वो भले ही केंद्र में मंत्री थे, लेकिन अब पीएम मोदी के कहने पर ही वो बिहार में अपने लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। अंकिता ने किया विकी को प्रपोज। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लगातार अंकिता लोखंडे सुर्खियों में बनी रही हैं, जिसके बाद अंकिता की हर फोटोज और वीडियोस पर फैंस का रिएक्शन देखने को मिलता है। इसी क्रम में हाल ही में अंकिता ने विकी को प्रपोज किया है, जिससे फैंस काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में अंकिता ने खुद का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो विकी को प्रपोज करते हुए एक डांस वीडियो में नजर आ रही हैं, जिसके तहत उन्होंने कैप्शन में लिखा है, किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुम्हें मैं ही जीतूं विकी जैन। इसके साथ ही उन्होंने लाल रंग के गुलाब के इमोजी भी बनाई है, जिस पर सुशांत के फैंस ने अपना बयान जारी किया और कहा है कि शायद अंकिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, कुछ ने तो अंकिता को ट्रोल करने की भी कोशिश की है।
इंग्लैंड से पहला मैच हारी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में बीते दिन भारत को 227 रनों से हरा दिया है। 420 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 192 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इससे पहले इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 178 रन ही बना सकी थी। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में जैक लीच ने चार और जेम्स एडरसन ने तीन विकेट झटके हैं। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत की टीम 337 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड के चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद खाते में कम सब्सिडी आने पर ग्राहकों में आक्रोश। पिछले कुछ समय से घरेलू गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसके बावजूद सब्सिडी में मिलने वाले रुपयों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके चलते उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है। बता दें कि पिछले तीन महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़े हैं, मगर ग्राहकों के बैंक खाते में 79 रुपए सब्सिडी ही आ रहे हैं, जिसके कारण आए दिन सब्सिडी राशि को लेकर ग्राहकों का विवाद एलपीजी वितरकों से हो ही जाता है। आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर पर मार्च 2020 तक सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन कोरोना के कारण अप्रैल से ही सब्सिडी को अघोषित तौर पर बंद कर दिया गया है। एलपीजी के बढ़े दाम सिलेंडर का बेसिक प्राइस है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंजन सिंह चौहान, नितेश राज, मोहम्मद जावेद, मनीष शर्मा, रानी कुमारी, मोहम्मद आफ्ताब, रविन्द्र पासवान, सुरेश शाह, शिवम बाबू मौर्य, अनुपम अहिरीन, प्राम राज, सुनील कुमार महतो, रोशन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों को मिले विभाग से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।